नमस्कार, मैं हूं सूरज हासमी। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुम्बरा कौसा में पिछले कई दिनों से बेकरी की दुकान या यूं कहें पाव खारी टोस्ट बनाने का कारखाने बंद कर दिए गए थे। उनका कहना था मुम्बरा कौसा में सोशल डिस्टेंस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मुम्बरा कौसा के लोगों को ये पता नहीं है आखिर बेकरी की दुकान कब खुलती है और कब बंद होती है। और यही वजह थी कि दुकानों पर भीड़ जम जाती थी, जिसके चलते पुलिस प्रशासन सख्ती में आई थी। और यही वजह थी बेकरी वाले पुलिस की मार खाए के डर से और सोशल डिस्टेंस ना होने की वजह से बेकरी बंद कर दिए थे। और शाम में बेकरी मालिकों को गाइडलाइन दिया जाएगा कि आखिर कितने बजे से कितने बजे खुला रहेगा। और प्रहार टाइम्स की तरफ से ये बार बार अपील है, आप लोग बाजार करने मार्केट करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। पूरे देश में लॉकडाउन है और इस कोरोना की अभी तक देश में कोई दवा नहीं आई है। इससे जंग पूरे देश लड़ रहा है, कोरोना से पूरे देश जंग लड़ रहा है, चाहे सरकारों की कहें या फिर शासन प्रशासन की या फिर डॉक्टर की। तो सभी का एक ही कहना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, बहुत ज़रूरी है। इन बेकरी हड़ताल को लेकर पिछले कई दिनों से गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाज से और ठाणे महानगर पालिका के अधिकारी मनीष जोशी, महेश आहिर, धनंजय गोस्वामी से लगातार बात की। उसके बाद बेकरी वालों को आज शाम में गाइडलाइन दिया जाएगा कितने बजे से कितने बजे तक उनको बेकरी खोलना है। हम आपको सुनाते हैं सानू पठान ने क्या कहा है और बेकरी के मालिक करार हुसैन ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। कुछ दिनों से बेकरी वाले जो है बंद कर दिए थे बेकरी अपना जो है, लेकिन उनके ऊपर पुलिस का जो प्रेशर था, बहुत सारी बातें थी। अब जो है क्या बात हुई है, आज आपने मीटिंग लिया है, क्या बात हुई है, किस तरह से बेकरी की दुकानें जो है उनकी खुलेंगी? ऐसा है कि दो तीन दिन से दूध की कई दुकानें और बेकरी की कई दुकानें बंद थी, जिससे आम आदमी परेशान था। और प्रेस के माध्यम से भी कई जगहों में हमें मालूम पड़ा था कि लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि 10 रुपये में 6-8 लादी पाँव लेके लोगों की परेशानी काफ़ी हद तक हल होती थी। इसी को देखते हुए हमने गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब से बात की, उन तक फ़ोन के जरिए ये समस्या बताई। मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा बेकरी एसोसिएशन की तरफ से और मुम्बरा कौसा के वासियों की तरफ से कि उन्होंने क्वारंटाइन में रहते हुए भी इनकी समस्याओं का हल निकाल के प्रशासन से बात किया और प्रशासन से भी हमारी बात हुई और उन्होंने ये कहा कि हम कल तक आपको टाइमिंग बताएंगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग से का ख्याल रखते हुए अपनी बेकरी शुरू करें, आपको आगे के टाइम पे दिक्कत नहीं होगी। मैं अभिनंदन करता हूँ बेकरी एसोसिएशन का कि उन्होंने इतना अच्छा डिसीज़न लिया। उन्होंने कहा कि जो अगर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया और आवाम ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम बेकरी बंद कर देंगे वापस, जताबर तो बंद कर देंगे। तो मुम्बरा कौसा की आवाम से मेरी गुजारिश है कि आप सामान लेते हुए लेने के न्याय तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, सर मुंह पे मास्क लगाएं और अपने सैनिटाइजर अगर है तो जेब में लेके आए और एक व्यक्ति ही घर से लिख ले जिसे सामान की ज़रूरत है। कल आज रात तक महापालिका और प्रशासन गाइडलाइन तय कर देगा, जब वो गाइडलाइन को फॉलो करेंगे टाइमिंग को और नियम को फॉलो करने के लिए ये सब बंद है, कल से ये नियम को फॉलो करके अपनी बेकरी शुरू कर रहे हैं, आज से ये हड़ताल ख़त्म कर रहे हैं। टाइमिंग की ताकि हमारे वर्कर या हमारे जो भी सप्लायर हैं वो एकदम निश्चिंत रहें, कहीं उनको ये न रहे कि हमको आज यहाँ मार दिया जाएगा वहाँ मार दिया जाएगा। इसके लिए इन लोगों ने, हमारे जितेंद्र वाड़ साहब और शानू पठान साहब ने मीटिंग लिया और प्रशासन से बात करके हमको आज उन्होंने बताया कि आप लोग बेकरी खोलिए, ये बात हो गई है। हमारी एसोसिएशन ने आज तय किया है कि आज से हमारा माल बनना चालू हो जाएगा, कल सुबह से वो काउंटरों पर बिकेगा और जहाँ भी सप्लाई होता है वो सप्लाई होने लगेगा। तो जिस तरह से आपको बोला गया है कि मतलब कि टाइमिंग मिलेगी आपको आज शाम में, शानू पठान ने जो है बात की है अधिकारियों से और गृह निर्माण मंत्री ने भी आप लोगों को आश्वासन दिया है, लेकिन क्या मतलब किस तरह से आप लोग डिस्टेंसिंग जो है, जो मामला सोशल डिस्टेंसिंग का, वो किस तरह से रखेंगे? देखिए, हमारी बेकरी जो भी हैं उनके मालिकों का या उनके जो सुपरवाइजर हैं उनका वो है कि वो कैसे उसको डील करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो हमारा तो यही मशवरा कि आप अगर मेंटेन नहीं कर पाते हो तो आप उसको बंद कर। अगर पब्लिक आपको परेशान करती है या जो भी करती है तो हमारे शानू भाई पठान से और इनसे हम लोग रابطہ कायम करेंगे।
बेकरी मालिकों को चेतावनी भी दिया गया है, अगर सोशल डिस्टेंस नहीं रहेगा तो शटर डाउन करना पड़ेगा, और आप लोग भी सामान या दवाई लेने जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। दो लोगों पर थाने महानगर पालिका ने कल FIR दर्ज किया है क्योंकि वो सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहे थे। और मनीष जोशी का कहना है जो भी सोशल डिस्टेंस नहीं रखेगा उस पर थाने महानगर पालिका कार्रवाई करेगी। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।